ये हाँ तो क्या करेंगे कहाँ राइड यही रहते हैं। क्या हुआ स्टैंड उठा लो भाई नहीं चले। अच्छा कुछ है चल रहा है सर ये सर चलो ये रोहित का घर भी इधर ही है ना यही है ना कौन रोहित यहाँ एक हाँ एक लड़का था ये वाला है हाँ कौन सा वाला 3,000 रुपया लगेगा इसका हर चीज का रेट फिक्स है ना तो पार्किंग और हिसाब से करना पड़ेगा कुछ पेट्रोलर चलाने का बहुत तो बोलेगा कि इसका 30 रुपया नहीं इसका 300 रुपया पार्किंग लगेगा है ना। अगर इतना बाइक है जिसका 3,000 रुपया लग रहा है चलाने में तो पार्किंग में 300-400 रुपया लगना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? अमन। अमन पूरा नाम क्या? अमन छेत्री। अमन छेत्री थोड़ी पूछेगी नेपाली की पूछा। चलो बढ़िया जाते रहे सीधा पानी में पानी मत ये अच्छा बोट लेके चल सकते हैं अंदर जी सर। हाँ जी सर। सर हाँ जी आप इसको इसको क्या बोलना चाहेंगे इसको इसको क्या बोलना चाहेंगे? फोटो अभी क्लिक किया मैंने फोटो है फोटो भाई साहब इसको भेज दीजिए उसमें क्या बोलते हैं वो जो कॉम्पिटिशन्स में है ना और जो प्राइज मिले तो हम लोग आइए सब राइड वाइड स्पॉन्सर कर दीजिए है ना। हाँ यार तेल बेल का खर्चा निकल जाएगा। वो मछली कैसे पकड़े क्या भाई तुम्हारे क्या चल रहा है आजकल लाइफ में जीवन में क्या चल रहा है तुम्हारे? कहाँ से आवेला दीदी? हाँ कहाँ से आवेला है? खेत में से। खेत कहाँ वाला और कौन कौर? वाह मतलब अतेजा ये सब का होता सफाई सफाई करता बिक्री करता। अच्छा वाह सब भोजपुरी बोले वाला आदमी बाका है ने? अरे गजब भाई सब सब के ऊपर चाइनीज हो चाइनीज मत बोला यार। कौन जिला के आदमी बैठ जाके छपरा जिला ये सब आ रहा छपरा वाह सब लोग एक ही गांव के है का? गांव के नाम क्या बात दीदी? पानी खेती तामुलबारी। ये सब जगह से पानी सब लोग ना गाँव का नाम बाबू यहाँ गाँव नाम मनोज महतो। वाह एगो ये बात बताएं
ये जन रोवा साहब के खुदे के खेत में उगेला कि दूसरा कैसे कीन के लावे अपने खेत के। हाँ कहाँ गाँव पड़ी रहा कौन जिला कहाँ से आई लन बाप दादा पटना में कहाँ खासपुर गल बनी फेर कोई भी हो जा। हाँ बहुत बढ़िया आवाज जात रहेगा बा पूरा देश है अपन बा तीनों आसामों अपने हैं बिहारो अपने हो तमिलनाडु अपने हो ठीक बनो कहीं घबराएगा नहीं हर जगह जाएगा बा। राहुल का नाम बा भैया का नाम है राहुल दीनदयाल महतो। दीनदयाल महतो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा हम हमने को बिहार से है आरा जिला ठीक बा बक्सर आरा। अरे कितना रुपये किलो बेचाए 40 रुपया मैंने मार्केटों में 40 से चलता है कुछ और चलता है ज़्यादा है। हेलो किमान फटके स्विच कर एकदम अखमिया। क्या छोड़ दें जीना हाँ क्या छोड़ दें जीना छोड़ दें। हम बोलेंगे भैया जीवन की सार्थकता हम बोले जीवन की सार्थकता इसमें है कि आप हर जगह हर पल मतलब जीते चलिए तो भाई साहब उधर दूर से कह रहे छोड़ दीजिए लगा है जीना ही छोड़ देने की बात कर रहे हो ऐसे कैसे भाई रमनील
खिंचाना है, इसको क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, कर दो क्लिक, रो लो क्लिक कर दिया। और एक बात बोलना भूल गए थे कि बीच वॉलीबॉल खेलना अगर हो तो उसके लिए कोस्टा रिका जाने की जरूरत नहीं है, बीच वॉलीबॉल यहाँ भी खेला जा सकता है ऐसे। आज का दिन अच्छा रहा, सबका दिन अच्छा हो, आपका वक्त मंगलमय हो। ये दो और ये दो। उस टाइम में क्या कर रहा था जब हमने कहा चश्मा लगाया कैसा फोटो आ रहा है, फिर हम कैसे दिख रहे हैं, उसने ये किया था कि बोला हाँ मैं दिखाता हूँ ना, फिर आपने सेल्फी में लिया, अपने भी चश्मा लगा के फोटो देखो, मैं बोला यार मुझे देखना है, फोटो नहीं देखो, देखो फिर करके उसने फोटो लिया, फोटो में क्या है, इसका बढ़िया सा अच्छा सा पूरा मेरा एकदम ऐसा पीछे रूप रूप में करके, तो आई मीन ये जीवन ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है सबका, समझ राजकुमार जी, संजय जी ऐसे ही चलता है। भैया आपका नाम क्या है? सनी। सनी तो सनी ने क्या किया था मैं बताता हूँ। सनी ने क्या किया था कि हम ना जो अंदर आए थे चाउमीन खाना था, चाउमीन रखा हुआ था वहाँ पे, तो हमने कहा चाउमीन हाँ ठीक है, उल्टा मतलब नहीं आ रहा है ठीक है, हम नहीं दिख रहे ठीक है सब। तो सनी को बोला कि चाउमीन मिलेगा, तो वहाँ सामने चाउमीन रखा हुआ था जब हम आए, तो सनी कहता है कि हाँ मिलेगा, अरे चाउमीन बता नहीं नहीं ये दूसरे का है, ऐसे कि हम उठा के खाने ही वाले थे, तो ऐसा घबरा गया और चाउमीन पकड़ के उठ के भागा कि जैसे कि हम उसके चाउमीन लेके खाने के लिए, फनी बट दैट वाज इंटरेस्टिंग। सो जस्ट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी एंड वी आर एंजॉइंग अ गुड आउटिंग ऑन सैटरडे आफ्टर लॉट मेन डेज। दिस होल थिंग इज बीइंग डन फॉर पेट्रोलर, हमारे पेट्रोलर के जो लोग हैं मित्र हैं वो कहते थे भैया आप कर क्या रहे हैं, कुछ पेट्रोलर पे आ नहीं रहा, लड़के भी कह रहे हैं कुछ नहीं आ रहा, बोले यार तो पेट्रोलर मेरा ही थोड़ी है तो तुम वो ही करो, पता नहीं आपको दिखना ज़रूरी है, तो हमने कहा चलो दिखना ज़रूरी है, तो आज हमने मिलकर थोड़ा बहुत ऐसे ही तो ऐसे कुछ ना कुछ हरकतें करती रहनी चाहिए ज़िंदगी, ज़िंदगी सेम बना रहता है नहीं लगता है, जब आप सब ठीक चलने लगता है ना भाई जान लाइफ में, जब सब ठीक चलेगा समझ लो कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, पक्का कुछ गड़बड़ होने वाला है ना, जब जिंदगी खटपट 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 चले मान लो तो हाँ भी अच्छा रास्ता आएगा, आगे बढ़िया रोड आएगा है ना, तो वही हम लोग खटपट खटपट इंजॉय कर रहे हैं अभी लाइफ, सो इट्स लाइक दैट। सो ये है हजोंग होटल बोंडा गुवाहाटी। सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा, बेका फेका सम ऐसे में है तो कहा मेरा दिल ये पुकारे जा। नहीं, बस हो गया।